Hi, this is Suraj Pancholi and you're watching Expose India. उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के डाक बंगले में जनपद के प्रभारी मंत्री अनुपमा जायसवाल 3 माह पुरानी सरकार के कार्यों का लेखा जोखा पेश करती नजर आईं। सबसे पहले उन्हें डाक बंगले पर ही गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सरकारी स्कूलों में पूर्व के यूनिफॉर्म के बारे में उन्होंने कहा कि अब किसी भी बच्चे को होम गार्ड की यूनिफॉर्म नहीं पहननी होगी, अब ये बच्चे भी प्राइवेट स्कूल के समान यूनिफॉर्म पहन सकेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बच्चों की ड्रेस को लेकर काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारी वर्तमान सरकार का मुख्य उद्देश्य एक है कि शिक्षा के स्तर में सुधार हो और इसके लिए हमारी सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। बच्चे पढ़ें तो देश के विकास में भी योगदान मिल सकेगा। वहीं अध्यापकों की कमी के बारे में उन्होंने कहा कि 6 लाख टीचर्स की कमी है, इसे जल्द ही सरकार दूर कर लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एक्सपोज इंडिया। वर्तमान सरकार ने मात्र 100 दिनों में ही ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं जिनसे आम जन का सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है। सरकार ने सबसे बड़ा काम जो किया वो VIP कल्चर को समाप्त करने का काम किया। लोग कभी कभी बड़ा प्रसन्न होते थे तो राजनीति के क्षेत्र में काम करने वालों को आशीर्वाद देते थे, कहते थे जाओ कभी लाल बत्ती मिल जाए। लेकिन इस लाल बत्ती का जो कल्चर था और जिससे एक आम जनमानस में रोष भी व्यक्त होता था, वो कल्चर समाप्त करके एक साहसिक पहल उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।